गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया रहेंगे, हम भी बढ़िया है। तो आपने वर्धुलिया तक का हमारा वीडियो देखा, अभी हम लोग शहादा में पहुँच गए मेरे कज़िन के घर पे, मेरे खाला लोग के इधर। अभी हम लोग टेरिस पे शूट करने के लिए मैं टेरिस पे आया और यही अपडेट था। अभी शहादा अभी थोड़ा घूमूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, आप लोग को दिखाता हूँ शहादा एक्सप्लोर करके। और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आप लोग। और यहाँ पर गर्मी तो थोड़ी बहुत है, इतनी नहीं है लेकिन है, धूप से आग नहीं खुल रही, आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं अभी बाहर, चलते हैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं शहादा कैसा शहर है। तो गाइस मिलते हैं अगले, आगे मिलते हैं। वही तैयारी करके अरे हमारे मुन्नी खाला है आता फिर मैं जाके नहीं, मैं जा रहा दुकान पे। सीनो अंदर लगा दिए, सर निकाल लिया, अरे अरे रहने देता ना, खा लिया। रहने दो ना, मैं पूछ लूंगा। मेरे घर है मेरे खाला खाली का, हाँ वो चलाते ना फसीनो आए जब से। रेंदो 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 निकलता कभी कभी। आज मैं मेरे भाई की शॉप पे पहुंच गया हूँ, भाई की जनरल स्टोर है। तो अभी मैं पीसी पे मूवी देखते बैठा हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को ये मूवी है। सो गाइस ये मेरे भाई की शॉप है, शॉप तो क्या ही दिखाने का। और ये मेरे भाई का सेटअप है जिसपे वैक्सीन वगैरह बनाता है मेरा भाई। चमाता भाग रहा है। मेरे भाई का कहना है कि भाई मेरा अवतार अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा अच्छे कपड़े वपड़े पहनूंगा, डीसी मारूंगा तब मुझे लेना। मैं बोला चल भाई ठीक है, इस बार देखो फर्स्ट टाइम बकस दिया तो तब भाई को लूंगा मैं अच्छे से। ये सेटअप है इसका, पूरा फॉर्म वगैरह करता है, पूरा ऑनलाइन शादी का काम। तो बाहर निकल गए हम लोग दुकान को थोड़ा ब्रेक दे के। ये कुछ शहादे की गली है, शहादा नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है रे, धुलिया, हाँ नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये मार्केट है यहाँ पे, ये सामने अभी बताता हूँ बस स्टैंड, इतनी भीड़ रहती ही नहीं है, मतलब इधर भी सिलेक्टेड एरिया रहते हैं वो एरियाज में ही भीड़ रहती है यहाँ पे। और ये बस स्टैंड है, बस बंद है क्या रे, एसटी बंद है, हड़ताल चालू है क्या? दो तीन का अपना धुलिया तक के नासिक तक के चालू है दो, हाँ अच्छा मतलब दो चार महीने हो गए ना इसको हड़ताल को, वही तभी बस धूल मट्टी खाते बैठी है। और ये दरगाह शरीफ है यहाँ पे, आएंगे इंशाल्लाह ज़्यारत करने इधर। क्या नाम है मेरे मार्केट का? मरकस, मरकस शादा मरकस। और अपना यहाँ पे है ना सीख वाला, अब यहाँ पे भी हम लोग को भूख लगी थी शॉप पे तो हम लोग सीख लेने आए थे। देखो ये बैठे, तो गाइस ये है हम लोग सीख वाले के इधर पहुँच गए। लेकिन आपको मैं गाइस बताऊँगा क्या, नंदुरबार में ऐसी जो सीख का इलाका है वहाँ पे से लोग गुजरात से खाने आते हैं, वो दिखाऊँगा मैं, जाने वाला हूँ आपको, वहाँ पे भी दिखाऊँगा। और ये मरकस है, शहादा मरकस बोलते हैं इलाके का नाम ही मरकस। शॉप पे भाई लोग हम लोग आ गए, भाई भाई को हमारे भाई को बहुत भूख लगी थी, मुझे तो नहीं लगी थी। अब कहता भाई कुछ ना कुछ चलने देता, दुकान में बैठ के पुड़िया पाड़िया खा, मतलब चिप्स वगैरह खाता है। फुल भाई ने एकदम लगा दिया माहौल, खाते और फिर मिलता हूँ मैं आपको। अभी मैं भाई के जो घर है वहाँ पे, घर के बाजू में एक चौक है, क्या नाम है चौक का, आकिब गैस गोडाउन ना, शादा में गैस गोडाउन करके है। तो वहाँ पे रात भर वो मार्केट पूरा खाने में नहीं, और चटोली गली पूरा ओपन रहता है वो। तो आज रात में वहाँ पे जाने का प्लान है, मतलब घर के नज़दीक हम लोग तो रोज़ जाते, कल भी गए थे, पर अभी शूट उसको कवर करूँगा मैं, क्योंकि
अब खाने की चीज़ें तो अपन दिखाते ही है, तो वो कवर करूँगा मैं आप लोग। सो गाइस खाना वगैरह हो गया, अभी हम लोग आइसक्रीम लेने मैं और मेरा भाई आए। भरका देवी शॉप है इनकी, हर जगह ब्रांच, हर जगह दिखती ही दिखती है इनकी ब्रांच। ये नाम है, बोर्ड है भरका देवी, और एकदम टेस्टी आइसक्रीम रहती है इनकी। सब लोग ने आइसक्रीम खा ली है, खाना खा लिया, वॉक के लिए सब निकले हैं आइसक्रीम वगैरह खा के, और मैं तो घर में ही आराम करूँगा। आज तो हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन के यहाँ पे, उसने दावत दी है तो यहाँ पे सब बैठे सब रेडी होके बैठे। और ये मेरा भाई आज आएगा क्या? नहीं भाई आज आएगा ना, आज डीसी मारे लाए थे भाई ने। और ये मेरी कजिन का घर है। चलो पहले मिल लेते हैं फिर कैमरा चालू करेंगे। डायरेक्ट मुंह पे कैमरा मारना अच्छा नहीं लगता ना। बिड़ू क्या बनाया ले? बिड़ू क्या बनाया ले? क्या नीचे का सेक्शन तो है, अब ये कुछ ऊपर का ऐसा सेक्शन है। घर दिखाने को कोई सेंस नहीं, लेकिन यार बता रहा हूँ मैं, ऐसा भी बनाना चाहे कोई बना सकता है। और यार गैलरी भी है ना रे, और ये छोटी सी बैल्कनी बोल लो या गैलरी बोल रहो। और ये नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये पूरा प्लॉट खाली है, मतलब ये सब प्लॉट है, सबकी अपनी अपनी ज़मीन होगी। सब देखो इसी यहाँ पे क्या करते हैं, ज़मीन खरीद के ऐसे घर बांध लेते हैं, मतलब और जैसा चाहे वैसा बना लो। और अच्छा उस साइड टेरिस भी है, और ये छोटी सी टेरिस, ये बाजू भी उनके भाई रहते हैं जिनका घर है। और देखो बताया ना, यहाँ पे भी देखो वैसी घर बना के जगह लेके घर बना लिया है। सबके ऐसे ही घर देखने मिलते, अपने तो बिल्डिंग यहाँ पे बिल्डिंग वाला सीन ही नहीं है। देखो दुकान निकाल लेते नीचे मस्त, ऊपर भी है लेकिन अभी धूप बहुत है, ऊपर नहीं जाएंगे अपन। और एक और बेस्ट चीज़ ये है, बेस्ट टू बेस्ट बोलूँगा मैं, बोरिंग करते पानी 24 घंटा मोटर चालू करो और पानी आना चालू। तो इसी चीज़ का मैं और मेरे पप्पा फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी वॉश करने लग गए। ये पप्पा ने यहाँ से किए फिर थोड़ा अच्छा प्रॉपर, तो मैंने वॉश किया गाड़ी। तो ये एक फ़ायदा है, बस ये फ़ायदे थे कुछ तो मैं आपको बताया। और अपना आउट ऑफ मुंबई में घर बनाने का फ़ायदा ही अलग है, खुद का घर बनाओ, ज़मीन लेके बड़ा बनाओ, छोड़ा बनाओ, एकदम गार्डन छोड़ो। अपने तो फ्लैट इतने महंगे, अरे बाप रे, फ्लैट के प्राइस में इतना आलिशान घर यहाँ बन जाता है। अपने को अपॉर्चुनिटी है नहीं मुंबई में, क्योंकि जगह भी बहुत महंगी है। अब क्या कर सकते, सैड बट ट्रू मुंबई वालों के लिए। गाइस तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपको होप सो वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस आपको ये नंदुरबार, धुलिया, मालेगांव, शादा वाली सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर यहाँ से कोई देख रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खुदा हाफिज़।